हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवरात्रि में मंदिरों में नहीं होंगे धार्मिक आयोजन, घरों पर ही कर सकेंगे पूजा अर्चना। शनिवार को कोरोना महामारी के साए के बीच शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। लोगों ने सोचा था कि हर बार की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से गरबा खेलेंगे, लेकिन कोरोना ने इस पर लगाम लगा दी। हर साल की तरह इस बार नवरात्रि देर रात्रि तक चलने वाले नृत्य व संगीत कार्यक्रम नहीं होंगे, जिससे लोगों में मायूसी है। तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर के प्राचीन मंदिर गढ़ जोगमाया मंदिर सहित जिले में सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। बाड़मेर जिले में आगामी त्योहारों पर कोरोना संक्रमण रोकने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नवरात्रि के दौरान जिले में मंदिर बंद रहेंगे तथा वहां किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पिछले माह के दौरान कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है एवं ये आगे भी कायम रहे, इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक 5 के दौरान जिले में राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर तक सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंध किया है। इसी तरह जिले के सभी धार्मिक संस्थाओं एवं मंदिरों के प्रतिबंधियों की गत बैठक के दौरान जिले में 31 अक्टूबर तक सभी मंदिर बंद रखने का निर्णय किया गया था। ऐसे में शनिवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि तथा इसके बाद विभिन्न त्योहारों के दौरान जिले के सभी मंदिर बंद रहेंगे तथा वहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। स्वरूप जोशी पुजारी, इंग्लैंड शक्तिपीठ बाड़मेर। नवरात्रि है, नवरात्रि लगा है तो लोगों का आना जाने का सिलसिला है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कम लोगों को आना दिया जाता है, वो भी मास्क के साथ। क्या बच्चों से क्या अपील रहती है उसको, क्या कह रहे आप? भगतों का तो यही कहना है कि कोरोना और नकुल भी नहीं है, आप फालतू हमारे सब मंदिर वगैरह के दर्शन बंद करा रहे हो। तो अभी जैसे जो आ रहे हैं तो उनको आप क्या किस तरह से दर्शन करें? उनको यही कह रहे हैं कि मास्क लगा के आओ, थोड़ी डिस्टेंस के साथ में चलो और दर्शन करके सीधे सीधे चले जाओ। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की।